17 साल पढ़ते हो तब जाके तुम्हें, तुम ग्रेजुएट हो इसकी डिग्री मिलती है, और 7 दिन की भगवान की भागवत में भी शॉर्टकट अपनाते हो, और फिर कहते हो भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं, मानव ही बना के भेजा है ना भगवान ने, तो उस परमात्मा के बनाए हुए दिए हुए जीवन का सदुपयोग करो। ये संसार वाले काम आने वाले नहीं है, आएगा तो कन्हैया ही काम आएगा। जिस राज्य का राजा धर्मात्मा होता है उस राज्य की प्रजा भी धर्मात्मा होती है। दहेज लेने के कारण आपके घर को सुयोग्य बहू नहीं मिलती और सुयोग्य कन्या को अच्छा घर नहीं मिलता। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बहू ऐसी आए जो लक्ष्मी का स्वरूप हो, तो फिर नोट मत मांगो, गाड़ी मत मांगो, 5-स्टार होटल में पार्टी मत मांगो। जो बेटियां दहेज देके विवाह करती हैं उनसे एक निवेदन है, बहू बन के मत रहना, मालकिन बन के रहना, क्योंकि वो तुम्हारा पति परमात्मा नहीं है, तुमने सर्वेंट खरीदा है। कथितो वंश विस्तार भवता सोमसूरयो राज्ञा भयवंसानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को विस्तार से सुनना चाहता हूं। भक्त कौन है जो भगवान के चरित्र को विस्तार, शॉर्टकट नहीं। आजकल कलयुग है, समय का अभाव है, लोग कहते शॉर्टकट में सुना दीजिए ना। 13 साल 14 साल 17 साल पढ़ते हो तब जाके तुम्हें, तुम ग्रेजुएट हो इसकी डिग्री मिलती है, कर लो उसमें शॉर्टकट, क्या करोगे 17 साल में ग्रेजुएट की डिग्री में। हाँ अब ग्रेजुएट हो गया, अब उसमें क्या शॉर्टकट है। और 7 दिन की भगवान की भागवत में भी शॉर्टकट अपनाते हो। कृष्ण वाले दिन चलेंगे, रुक्मणी विवाह वाले दिन चलेंगे, अंतिम दिन चलेंगे, उसमें भी शॉर्टकट, और फिर कहते हो भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं। अरे एक डिग्री पाने के लिए, कागज की डिग्री पाने के लिए तुमने 17 साल गंवा दी, भगवान को पाने के लिए 7 दिन मन से भागवत नहीं सुन सकते। मानव ही बना के भेजा है ना भगवान ने, तो उस परमात्मा के बनाए हुए दिए हुए जीवन का सदुपयोग करो। परीक्षित जैसा भक्त बनो जिसकी मृत्यु 7वें दिन है, लेकिन कह रहा है शॉर्टकट नहीं, विस्तार से सुनाओ। जो सच्चा भक्त होगा वो संसार की परवाह किए बगैर कहेगा भगवान कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाओ, और सच्चा भक्त ही वो है जो कृष्ण की कथा के लिए समय की सीमा भूल जाए। ये संसार वाले काम आने वाले नहीं है, आएगा तो कन्हैया ही काम आएगा, कृष्ण ही काम आएगा, यही सच है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन हम समझते हैं तुम्हारा संबंध है ना कृष्ण से, इसलिए तुम उनका विस्तार से प्रसंग सुनना चाहते हो, हम तुम्हें विस्तार से सुनाएंगे। सुनो, यमुना के तट पर एक मथुरा नगरी है, मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं। देखिए जिस राज्य का राजा धर्मात्मा होता है उस राज्य की प्रजा भी धर्मात्मा होती। यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए हरेक प्रदेश का और देश का राजा धर्मात्मा होना चाहिए, जिससे प्रजा भी धर्म परायण बनी रहे। कई बार लोग कहते हैं राजनीति से धर्म को दूर रखो, अगर राजनीति से धर्म को दूर रखा तो राजनीति में घोटाले बढ़ जाएंगे, राजनीति में हिंसा बढ़ जाएगी, राजनीति में द्वेष बढ़ जाएगा, और जब धर्म के साथ राजनीति होगी तो भागवत कथाएं बढ़ जाएंगी, राम कथाएं बढ़ जाएंगे, भगवान के कथाओं की धारा बढ़ जाएगी। आज एक पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे हमसे, और उस पत्रकार बंधु कह रहे थे अब मध्य प्रदेशों में कथाओं की बारी है। नहीं, एक बात कही थी उन्होंने,
ये मध्य प्रदेश समय बाबा और क्या बोलते हैं, किसका है बाबा, और एक और चीज उसने इस्तेमाल, बंधु ने इस्तेमाल करी थी बड़ी अच्छी, क्या कहते हैं भोपाल में या मध्य प्रदेश में किसका, बाबा का और कुछ ऐसा ही नाम लिया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा। बोले आजकल मध्य प्रदेश में बाबाओं की बड़ी बाढ़ आई हुई है और महाराज कथा हो रही है भोपाल में, हजारों लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे, इतने लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने यहां से शुरू किया था। सच यही है कि जब राजा धर्मात्मा होगा तो कथाओं की बाढ़ आ जाएगी, और जितनी कथाएं होंगी उतनी प्रजा धर्मात्मा बनेगी, इसमें कोई तो राय नहीं। इसलिए प्रदेश का, देश का राजा धर्मात्मा होना चाहिए। उग्रसेन जी बहुत धर्मात्मा राजा थे और उनके सब प्रजा भी बड़ी धर्मात्मा थी, पर महाराज क्या कहें, उनका पुत्र ही बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी था, नाम था उसका कंस। उसके अत्याचार बहुत बढ़ रहे थे। एक बार उस कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया था। जब अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा था, जितने भी माताएं बहन यहां बैठी हैं, समाज के बड़े लोग बैठे हैं, एक प्रार्थना करना चाहूंगा, आप स्वीकार कर लीजिए, शादियों में दहेज लेना बंद कर दीजिए। पत्रकार बंधुओं से भी मेरा निवेदन है, इस बात को आप प्रमुखता से लिखें, दहेज लेने के कारण आपके घर को सुयोग्य बहू नहीं मिलती और सुयोग्य कन्या को अच्छा घर नहीं मिलता, क्योंकि जिस घर में अच्छी कन्या है उस पे देने को दहेज नहीं, और जिस पे देने को दहेज है वहां लक्षण नहीं, वहां गुण नहीं, वहां गुण संपन्नता नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बहू ऐसी आए जो लक्ष्मी का स्वरूप हो, तो फिर नोट मत मांगो, गाड़ी मत मांगो, 5-स्टार होटल में पार्टी मत मांगो। अगर ऐसी मांगोगे तो तुम्हें अच्छी बहू नहीं मिलेगी, फिर तो वो ऐसी ही मिलेगी जो मतलब समझ लो बेटा भी ऐसा ही निकम्मा। दहेज वाली बहू, और मैं तो जो बेटियां दहेज देके विवाह करती हैं उनसे एक निवेदन है, बहू बन के मत रहना, मालकिन बन के रहना, क्योंकि वो तुम्हारा पति परमात्मा नहीं है, तुमने सर्वेंट खरीदा है। ही इज नॉट योर हस्बैंड, ही इज योर सर्वेंट, बिकॉज आपके पापा ने पैसा दिया है, और पैसे से तो चाकर मिलता है, पति नहीं। जो अपने बेटे को बेच सकता है, बोलिए वो तुम्हारी बेटी को कैसे खुश रख सकता है, कैसे रखेगा, बोलो। आजकल दहेज लेते हैं, और बड़ा दहेज लेके कई तो अब वो करते, वो ऐसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बारात का स्वागत 5-स्टार होटल में होना चाहिए, 5-स्टार होटल ही आ रहा है 10-20 लाख का, कहां से लाएगा, गरीब बाप तो नहीं ला सकता। और अगर बाप को अपनी बेटी के विवाह के लिए अपना मकान बेचना पड़े, अपना खेत बेचना पड़े, अपनी जमीन बेचनी पड़े, तो धिक्कार है ऐसे समधी के लिए, धिक्कार है ऐसे पति के लिए। मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन कर रहा हूं, इस बात को प्रमुखता से लिखें, दहेज समाज का सबसे बड़ा दानव है। समाज के बड़े लोगों से मेरा आग्रह, अगर सुयोग्य बहू चाहते हो तो दहेज के दानव को मार डालो। जब दहेज का दानव मर जाएगा, आपके घर में सुयोग्य बहू आएगी। यहीं पर हमारी तमाम बेटियां बैठी हैं जिन्होंने माथे पे तिलक लगा रखा है, गले में कंठी धारण की हुई है, जिनके पाप पिता पे ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं, इसी पंडाल में बैठी हुई है, इसी पंडाल में सुयोग की कन्या जो हमारी शिष्य है, तो अपने बेटे को एक अच्छी कन्या के साथ विवाह कराइए, मेरा आग्रह है।